नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हर्षिता जौहरी। आइए नजर डालते हैं देश प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरों पर। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जयवंती देवी, जिसकी अध्यक्षता आशा जायसवाल कर रही थी। कार्यक्रम में सबसे पहले माता सरस्वती जी की पूजा अर्चना की गई, फिर खंड चिकित्सा अधिकारी द्वारा मुख्य अतिथि एवं सभा अध्यक्ष का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया गया। कार्यक्रम का मंच संचालन पिरामल फाउंडेशन नीति आयोग से तुलसी कुशवाहा कर रहे थे। महिला दिवस पर डॉक्टर भानु प्रताप ने महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बताया कि महिलाएं परिवार की परवरिश करती हैं, लेकिन स्वयं के स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती हैं। ज़्यादातर महिलाओं को खून की कमी, एनीमिया की शिकायत उपचार के दौरान पाई जाती है, इसीलिए घर परिवार के साथ साथ स्वयं का खान पान पर भी ध्यान दें। देश की सभी महिलाओं को महिला दिवस पर बहुत बहुत बधाई। महिला बाल विकास समन्वयक प्रदीप जी ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में विशेष रूप से प्रकाश डाला। कार्यक्रम में उपस्थित खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, बीसीएम छत्रपति सिंह, सुनील, प्रदीप, तुलसी एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। कार्यक्रम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में रखा गया है, जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही आशा जायसवाल से हम जानना चाहेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पे महिलाओं को आपने क्या संदेश दिया है। आज हम सभी लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चितरंगी में राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने के लिए यहाँ पे उपस्थित थे। इसमें सभी हम लोगों ने अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जाना और सबको हमने बताया कि हमारे शासन की तरफ से क्या क्या योजनाएं दी गई हैं। श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से 8 मार्च सन 2018 को राजस्थान में झुंझुनू सभा को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय पोषण मिशन लागू किए गया, जिसपे हम लोग वर्क कर रहे हैं और सभी को अपना किया कि हम लोग को अच्छा काम करना है ताकि अपने इस परियोजना स्तर पे अच्छे से अच्छे हम लोग बच्चों को सुपोषण की स्थिति में दे सकें। और साथ ही में हमने बताया कि चर्चा की गई कि आज हमारे विश्व कप में राष्ट्रीय क्रिकेट महिला दिवस आयोजित किया गया है। इसमें साथ ही में मेरे गर्व की बात है कि हमारे साथ खेली हुई सहयोगी श्री खुशबू नुजहत परवीन, उसका नाम हम लोग शॉर्टकट में खुशबू कहते हैं लेकिन नुजहत परवीन के नाम से जानी जाती है, और वहां पे हमारे सिंगरौली जिले के साथ ही अपने एमपी राज्य के स्तर का प्रतिनिधित्व कर रही है, हम लोग की गर्व और गौरव की बात है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन अपने देश की अपने यहाँ की सारी महिलाओं को ये बोलना चाहते हैं कि आप अपने पूरे परिवार के लिए, पूरे परिवार के स्वास्थ्य के लिए अपना पूरा समय देती हैं, पर अपने स्वास्थ्य को उतना ध्यान नहीं दे पाती। हम ये सारी महिलाओं से उम्मीद करते हैं, बोलना सलाह देना चाहते हैं कि परिवार के समय के अलावा अपने स्वास्थ्य के लिए भी अपने दिनचर्या से थोड़ा समय निकालकर अपने लिए भी ध्यान दें स्वास्थ्य। खबर समय जगत के लिए चितरंगी से रजनीश साहू की रिपोर्ट। खबर समय जगत, एक संदेश पूरा देश।